हेलो फ्रेंड्स आई एम कोमल बलाला, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल होप आप सबका एग्जाम फोर्थ अक्टूबर वाला अच्छा गया होगा ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट लक फॉर फ्यूचर वन इम्पॉर्टेंट थिंग हियर इज दैट ऑलमोस्ट अराउंड फिफ्टीन टू ट्वेंटी क्वेश्चंस डायरेक्टली फ्रॉम माय वीडियोस एंड नोट्स लाइक बायोचार क्वेश्चन ऑन आर Artificial intelligence, blockchain technology, kisan credit card, pneumococcal conjugate vaccine, tiger reserve, commercial paper, carbon nanotubes, West Texas intermediate, and so on. So, guys, these topics are very difficult ones, and I covered these topics very well. So, if you watch these videos, then you can easily solve that questions. और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन ओके सो दैट यू कैन इजीली अवेल द बेनिफिट्स ऑफ दिस कैप्सूल दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द एग्ज़ाम्स ओके सो आज हम देखेंगे फर्स्ट अक्टूबर से लेके फिफ्थ अक्टूबर तक का करंट अफेयर्स जो कि सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और अगर आपको इसकी पी चाहिए तो आप व्हाट्सअप करिए नाइन नाइन टू एट डबल जीरो वन फोर डबल जीरो पे विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगेन अम्बेडकर सोशल इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन मिशन ये रिसेंटली लॉन्च किया है अंडर वेंचर कैपिटल फंड फॉर एस सीज शेड्यूल कास्ट ओके किसने लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव है कि एंटरप्रिनरशिप जो है शेड्यूल कास्ट के अंदर डेवलप करना टू प्रोमोट इनोवेशन एंड एंटरप्राइज अमंग एस सी स्टूडेंट्स स्टडिंग इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तो इस इनिशिएटिव के अंदर वन थाउजेंड एस सी यूथ को आइडेंटिफाई किया जाएगा नेक्स्ट फोर ईयर्स में जिनके पास स्टार्टअप के आइडियाज़ होंगे थ्रू टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर्स इन वेरियस हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तो उनको तीस लाख रुपीज़ का फंड दिया जाएगा तीन साल के लिए एज इक्विटी फंडिंग टू ट्रांसलेट देयर स्टार्टअप आइडियाज़ इन टू कमर्शल वेंचर्स ताकि वो अपना जो बिजनेस है वो सेटअप कर सकें अगर उनका जो बिजनेस है वो सक्सेसफुल हो जाता है तो वो वेंचर फंडिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे उसमें उन्हें अप टू फाइव करोड़ तक का फंड दिया जाएगा ओके okay, किससे दिया जाएगा वेंचर कैपिटल फंड फॉर एस ओके अब है पाकुर हनी ये एक शहद है जो बेसिकली अभी रिसेंटली गांधी जयंती के ओकेजन पे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने लॉन्च किया है ये हंड्रेड परसेंट नैचुरल हनी है मतलब पूरा का पूरा नेचुरल शहद है ओके okay? इसमें मल्टी फ्लोरल एज वेल एज फॉरेस्ट फ्रेश है ही संथाल जो ट्राइब्स होती है कहाँ की झारखंड की वो गैदर्ड करती है इसे और वो बेसिकली वलने पहाड़िया ट्राइब्स है ओके okay, मतलब दो ट्राइब्स है एक तो संथाल ट्राइब्स एंड वलनेरेबल पहाड़िया ट्राइब्स फ्रॉम पाकुर झारखंड ये दोनों इसे गैदर्ड करती है और इस वजह से इसका नाम पाकुर रखा गया है ओके okay? ये नेचुरल मल्टीफ्लोरा हनी जो है एंटीऑक्सीडेंट का गुड सोर्स होता है पता है अपन को एंटीसेप्टिक विटामिनस न्यूट्रिशंस एंडजाइम्स एंड अदर हर्बल प्रॉपर्टीज़ दैट नो अधर सुपरफूड कैन प्रोवाइड ओके अब है ब्रह्मोस एक रिसेंटली मतलब ब्रह्मोस मिसाइल जो है सक्सेसफुली टेस्ट फायर की गई है जो कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है इसे कैरड आउट किया है डीआरडीओ ने कहाँ से बालासोर इन उड़ीसा से ब्रह्मोस बेसिकली सरफेस टू सरफेस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है फीचर्स इंडिजिनस बूस्टर एंड एयर फ्रेम सेक्शन अलॉन्ग विद मेनी अदर मेड इन इंडिया सब ये जितने भी इसमें सब है वो सारे के सारे मेड इन इंडिया है द Brahmo's land attack cruise missile was cruising at a top speed of Mach 2.8. One more major step is that isse kya hoga ki indigenous content or burja. Okay, this successful launch has paved the way for the serial production of the indigenous booster and other indigenous components of the powerful Brahmo's weapon system. Okay. इनिशिएटिव फॉर फार्मर्स रिसेंटली क्या है यूनियन मिनिस्टर फॉर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स ने तीन स्कीम्स लॉन्च की है आंध्र प्रदेश के किसानों के लिए क्या क्या है पीओएस 3.1 सॉफ्टवेयर एसएमएस गेटवे एंड होम डिलीवरी फैसिलिटी ऑफ फर्टिलाइजर्स आरबीके फॉर फार्मर्स इन आंध्र प्रदेश अब देखते हैं पी ओ एस थ्री पॉइंट वन है क्या ये एक कॉन्टैक्ट लेस ओ टी पी बेस्ड ऑथेंटिकेशन ऑप्शन है इससे क्या होगा कि जो फार्मर्स है ना फर्टिलाइजर्स परचेज करते हैं तो बिना टच किए वो परचेज कर पाएंगे है ना तो फार्मर्स विल बी एबल टू परचेज फर्टिलाइजर्स विदाउट टचिंग फिंगरप्रिंट प्रिंट सेंसर्स एस एम क्या है कि जैसे उस शॉप से उन्होंने लास्ट टाइम फ़र्टिलाइज़र परचेज़ किया था तो पीरियोडिकली जो उनके पास मैसेज आ जाएंगे कि यहाँ पे इन आउटलेट्स पे फर्टिलाइज़र्स की अवेलेबिलिटी है मतलब वहाँ पे ये उपलब्ध है ओके अंडर एन इनिशिएटिव ऑफ होम डिलीवरी ऑफ फर्टिलाइजर्स इन आंध्र प्रदेश थ्रू रायतु भरोसा केंद्रलू स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च 10,641 रायतु भरोसा केंद्रलू इन ऑल ग्राम पंचायत टू प्रोवाइड फार्मर्स विद क्वालिटी इनपुट्स एंड अलाइड सर्विसेज ओके अंडर दिस सिस्टम फार्मर्स के ऑगर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के बाद वो फर्टिलाइजर्स ऑर्डर कर सकते हैं आर के थ्रू ओके okay? और उन्हें क्या होगा कि जो फर्टिलाइजर है वो उनके घर के बाहर मिल जाएगा ओके स्पाइस प्लस पोर्टल देखो रिसेंटली लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने बेसिकली क्या है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और अच्छा बनाना है तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हैज नोटिफाइड एंड डिप्लॉयड ए वेब फॉर्म बेसिकली स्पाइस प्लस जो है एक वेब फॉर्म है है ना जो कि फरवरी 2020 से इफेक्टिव हो गया था एज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इनिशिएटिव ये दस सर्विसेज ऑफर कर रहा है जिसमें तीन सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ की है कौन कौन है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एक स्टेट गवर्नमेंट है महाराष्ट्र एंड द वेरियस बैंक देर सेविंग प्रोसीजर्स टाइम एंड कोस्ट फॉर स्टार्टिंग ए बिजनेस इन इंडिया देखो क्या होता है कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना होता है जैसे कोई बाहर से भी कोई कंपनी आ रही है या अपन कोई बिजनेस स्टार्टअप करना होता है तो अपन को डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज पे जाना जैसे लेबर के लिए तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के पास जाओ फाइनेंस है तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास जाओ और कंपनी लो है तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेट अफेयर्स के पास तो, तो सब बहुत एक जो होता है ना एक हैक्टिकस हो जाता है और इस वजह से क्या होता है कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है तो अपन को टाइम को रिड्यूस करना है एज वेल एज जो रेड टेपिज्म है उसे कम करना है तो इसी वजह से ये फॉर्म लॉन्च किया है जिसमें जो मल्टीपल मिनिस्ट्रीज है ना वो एक ही जगह काम मतलब एक ही जगह काम हो जाएगा ठीक है तो एक वेब फॉर्म है जिसके अंदर टेन सर्विसेज ऑफर की जा रही है अभी इसके अंदर है देखो नेम रिजर्वेशन है इनकॉर्पोरेशन है मैंडेटरी इशू ऑफ पेन कार्ड है मैंडेटरी इशू ऑफ़ ई रजिस्ट्रेशन है ना एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन है मतलब कोई भी एम्प्लॉय है आप उसका ईपीएफओ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ऑलराइट right. अब है मेक्कद दा, दातु प्रोजेक्ट देखो ये रिसेंटली न्यूज़ में था ये एक एक्चुअली क्या है गॉड स्लीप एक डिप गॉज है जो कि सिचुएटेड है कन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर कावेरी और उसकी ट्रिब्यूटरी अक्रावती वहाँ पे है जैसा आप फिगर में देख रहे हैं कि कर्नाटक के एकदम कॉर्नर पे है ओके मतलब सदन एंड पे तो ऑनटी गोंडलू इज द प्रोपोज रिजर्वर साइट सिचुएटेड एट रामनगर डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटक जो कि बैंगलोर से सौ किलोमीटर दूर है ठीक है ये कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पॉइंट भी है नाइन थाउजेंड करोड़ प्रोजेक्ट एम्स टू तो स्टोर एंड सप्लाई मतलब इतने रुपए लगेंगे है ना नाइन थाउजेंड करोड़ रुपीज़ ताकि क्या है कि ड्रिंकिंग वाटर बैंगलोर को सप्लाई कर सके किसके लिए बेंगलुरु सिटी के लिए है ना अराउंड 400 हंड्रेड ऑफ पावर इज ऑल्सो प्रपोज टू बी जनरेटेड थ्रू द प्रोजेक्ट ओके अब है दिफी हेलमेन की एक्सचेंज देखो सिंपल कंसेप्ट ये है कि व्हाट्सअप जैसे आप अपने फ्रेंड से बात करते हैं या चैटिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है कि अपन सब सुनते हैं कि एनक्रिप्शन है WhatsApp में एंड टू एंड एनक्रिप्शन है अभी एक्चुअली एंड टू एंड एनक्रिप्शन होता क्या है जिसमें ये होता है कि जो सेंडर एंड रिसीवर है उन्हीं को पता होता है कि आप दोनों के बीच में क्या कम्युनिकेशन चल रहा है ओके okay? uh, अदा जो थर्ड पार्टी है उसको कुछ पता नहीं होता इसी को डिफी हेलमेन की एक्सचेंज कहा जाता है तो रिसेंटली क्या हुआ कि टीवी न्यूज़ चैनल्स ने एक लीग्ड व्हाट्सएप चैट को शेयर किया फिल्म एक्टर की इन देयर कवरेज ऑफ एन एक्टर्स देट तो सब क्वेश्चन उठाने लग गए कि ये तो uh, सब एनक्रिप्शन है तो उनके पास ये लीग्ड व्हाट्सएप चैट आई कहाँ से ओके okay? तो फेसबुक ऑन व्हाट्सएप पता है व्हाट्सएप जो है वो फेसबुक का टू कम आउट विद ए स्टेटमेंट ऑन इट्स यूज़ ऑफ एंड टू एंड एनक्रिप्शन टू सिक्योर यूजर्स मैसेजेस 2016 से व्हाट्सएप ने एंड टू एंड एनक्रिप्शन सिस्टम इंस्टॉल कर रखा अब एनक्रिप्शन क्या इंश्योर करता है कि मैसेजेस सेंट ऑन व्हाट्सएप आर रेड आर रीड एंड सीन बाई ओनली दोज पीपल हु आर कम्युनिकेटिंग मतलब मैं और मेरी फ्रेंड अगर दोनों कम्युनिकेट कर रहे हैं तो दोनों को ही देख भी वही सकते हो रीड भी वही कर सकते कोई थर्ड पार्टी रीड नहीं कर सकती नहीं देख सकती है ऐसा इनक्रिप्शन बोलता है व्हाट्सएप का बट फिर इनके पास लीक आया कहाँ से तो इसी टेक्नोलॉजी को फर्स्ट टाइम जिसने डेवलप किया था उसके बिहाफ पे नाम रखा गया है डिफी हेलमेन की एक्सचेंज तो बेसिकली ये जो मेथड है वो सिक्योरली एक्सचेंजिंग क्रिप्टोग्राफिक कीज ओवर ए पब्लिक चैनल अब देखो क्रिप्टोग्राफी जो होती है उसमें पब्लिक की प्राइवेट की ऐसे जो होती है दो कीज इंपॉर्टेंट होती है इट वॉज़ वन ऑफ द फर्स्ट पब्लिक की प्रोटोकॉल एज कंसीव्ड बाई राल्फ मर्कले एंड नेम्ड आफ्टर विट फील्ड डिफी एंड मार्टिन हेलमेन ओके द मैथड अलाउज टू पार्टीज दैट हैव नो प्रायर नॉलेज ऑफ ईच अदर टू जॉइंटली स्टेब्लिश ए शेयरड सीक्रेट की ओवर एन इन सिक्योर चैनल दिस चैनल कैन देन बी यूज टू एनक्रिप्ट सबसिक्वेंट कम्युनिकेशन यूजिंग ए सीमेट्रिक की साइफर ओके okay? तो डीसी हेलमेन की एक्सचेंज इज ऑफन सीन इन न्यूज़ किससे रिलेटेड है तो व्हाट्सएप का एंड टू तो एंड एनक्रिप्शन सिस्टम है ओके okay? अब है शौर्य मिसाइल देखो ये इसका सक्सेसफुल ट्रायल अभी रिसेंटली कंडक्ट करवाया था गवर्नमेंट ने ये न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है लैंड बेस्ड पैरल ऑफ़ द सब मरीन लॉन्च के फिफ्टीन मिसाइल ओके दीज बैलिस्टिक वेपन्स ये बेसिकली जो के मिसाइल फैमिली है उससे बिलोंग करती है कोड नेम्ड अब के किसके बेहबाद में रखा है ए पी जे अब्दुल कलाम के बाद ओके विच आर लॉन्च फ्रॉम द अरिहंत क्लास ऑफ न्यूक्लियर सबमरीन्स अब जो के फैमिली ऑफ मिसाइल्स है आर प्री मैरिली सबमराइन लॉन्च द बैलिस्टिक मिसाइल्स ओके दिस मिसाइल्स आर फायर्ड फ्रॉम सबमराइन फ्रॉम इंडियाज़ अरिहंत क्लास न्यूक्लियर पावर्ड प्लेटफॉर्म्स इंडिजिनसली किसने बनाया है डीआरडीओ ने ओके द डेवलपमेंट ऑफ दिस नवल प्लेटफॉर्म लॉन्च मिसाइल्स बिगन इन द लेट नाइनटीन एज अ स्टेप टूवर्ड्स कंप्लीटिंग इंडियाज़ न्यूक्लियर ट्राइड द कैपेबिलिटी ऑफ लॉन्चिंग न्यूक्लियर वेपन्स फ्रॉम ट्राइड मतलब क्या होता है लैंड से सी से एंड एयर से तीनों से लॉन्च करना ओके जिस मिसाइल्स आर ये लाइटर है स्मॉलर है स्टेल है दैन दे लैंड बेस्ट काउंटर पार्ट्स ओके द अग्नि सीरीज ऑफ मिसाइल्स आर लैंड बेस्ट विच इज विच आर मीडियम आन इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल्स अटल टनल अभी रिसेंटली इनाग्रेट की थी 9.02 किलोमीटर की लॉन्गेस्ट टनल ऑफ द इंडिया ओके बाय बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन सॉरी वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट टनल है ये लॉन्गेस्ट हाईवे टनल जो कि वर्ल्ड की है ना कनेक्ट्स मनाली टू लाहौर सिप्टी वैली ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू द लैंड लॉक्ड वैली ऑफ लाहौर सिपिट्टी सिप्ती वैली है ना विच रिमेन्स कट ऑफ पहले क्या होता था बर्फ के कारण छह महीने तक बंद रहती थी है ना तो इस वजह से अब ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी रहेगी बिफोर द टनल कंस्ट्रक्शन द लाहौल वैली यूज टू रिमेन क्लोज्ड फॉर वीक्यूलर मोमेंट ड्यू टू बैड वेदर कंडीशन अब इस टनल के बाद क्या होगा कि इस टनल ने मनाली से लेह के बीच की 46 किलोमीटर की डिस्टेंस को कम कर दिया है और ट्रैवल टाइम को चार से पाँच आवर्स कम कर देगी ठीक है इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बूस्ट टूरिज्म एंड विंटर स्पोर्ट्स इन द रीजन

नोन एज सैनाबी न्योइड्स फाउंड इन द दैनाबिज और मारी प्लांट में पाया जाता है सी बी डी ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है कैनाबिज प्लांट से मतलब मारी का जो प्लांट होता है उससे इसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है इसमें दो एक्टिव सब्सटांसेज होते हैं मतलब उस प्लांट में एक तो सी बी डी होता है एक डेल्टा नाइन टैट्रा हाइड्रो सैनाबी नॉल होता है टी एच सी कहा जाता है द हाई डेट इज़ कॉज बाय द कंजम्पशन ऑफ कैनाबिज इज ड्यू टू टी एच सी ओके okay. सीबीडी जो है वो हाई और एनी फॉर्म ऑफ इंटॉक्सिकेशन नहीं कॉज करता है अब सेना बी जो है बेसिकली क्या उसकी है अब सेना बी जो है जिसे सीबीडी बोलेंगे इसका ब्रेन पे इफेक्ट आता है ब्रेक डाउन ऑफ ए केमिकल को ये रोकता है डेट एग्जाग्रेट्स है ना एग्रावेट्स है ना सॉरी एग्रावेट्स द पेन एंड अफेक्ट मूड एंड मेंटल फंक्शन ठीक है तो बेसिकली कर क्या रहा है पेन और एंजाइटी को रिड्यूस करता है ओके इट ऑल्सो रिड्यूस साइको टिक सिम्टम्स है ना एसोसिएटेड विद कंडीशन सच एज ईपी लैपसी एंड शीजो फ्रीनिया है ना ओके okay? तो सीबीडी ऑयल किससे रिलेटेड है और क्या है ये सब है एक्साइज बोंगो सागर किसके बीच में है बायोलेट्रल नवल एक्साइज है इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में जो कि शेड्यूल्ड टू कमेंस हो गई थी तीन अक्टूबर 2020 को कहाँ पे नदन बे ऑफ बंगाल में तो बोनो सागर है ना किसके बीच में इंडिया बांग्लादेश फर्स्ट एडिशन 2019 में हुआ था टू डेवलप इंटर ऑपरेबिलिटी एंड ज्वाइंट ऑपरेशनल स्किल्स टू द कंडक्ट ऑफ ए वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ मेरी टाइम एक्साइज एक्सरसाइजेस एंड ऑपरेशन पार्टिसिपेंट कौन कौन होगा शिप्स होंगे दोनों कंट्रीज के अलॉन्ग विध मेरी पेट्रोल एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स थर्ड एडिशन ऑफ इंडिया बांग्लादेश कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल जिसे आई एंड बी एंड कॉपार्ट कहा जाता है वेयर इन बोथ कंट्रीज विथ अंडरटेक ज्वाइंट जॉइंट पेट्रोलिंग अलॉन्ग द इंटरनेशनल मेरी टाइम बॉर्डर लाइन कॉर्पोरेट्स हैवे स्ट्रेंथ एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन बोथ द नेवीज एंड इंस्टीट्यूट मेजर्स टू स्टॉप द कंडक्ट ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप किसी बीच के बीच में हुई है इंडिया एंड डेनमार्क के बीच में हुई है

नेचुरल रिसोर्सेस का सस्टेनेबल यूज करते हुए जो ग्रोथ हो रही है उसे को ग्रीन ग्रोथ कहा जाता है द क्रिएशन ऑफ इंडिया डेनमार्क एनर्जी पार्क इन एरियाज विथ लार्ज नंबर ऑफ डैनिश फर्म्स एंड एन इंडिया डेनमार्क स्किल इंस्टीट्यूट टू ट्रेन इंडियन मैन पावर हैज़ बीन प्रपोज ओके ये दो है एनर्जी पार्कस बनाए जाएंगे और इंडिया डेनमार्क का स्किल इंस्टीट्यूट भी बनाया जाएगा ओके okay? पी एम एन सी एच अकाउंटेबिलिटी ब्रेकफास्ट देखो नाम है पार्टनरशिप फॉर मैटरनल न्यू बोर्न एंड चाइल्ड हेल्थ ये ग्लोबल हेल्थ पार्टनरशिप है जो कि 2005 में बनाई गई थी इट इज़ होस्टेड इट द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन जेनेवा स्विट्जरलैंड विच ज्वाइंट द मैटर्नल न्यू बोर्न चाइल्ड हेल्थ कम्युनिटीज इन टू एन अलाइंस अब अकाउंटेबिलिटी ब्रेकफास्ट एम्स टू कन्वर्ट टॉक इंटू एक्शन फॉर हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन चिल्ड्रन एंड अडोल्ट मतलब बेसिकली क्या है ब्रेकफास्ट तो जो अपनी बातें होती है ना ब्रेकफास्ट में उसको एक्शन में कन्वर्ट करना है किस रिलेटेड वुमेन की हेल्थ और राइट्स चिल्ड्रन की और अडोल्ट की तो मिनिस्ट्री ऑफ जो अपने यहाँ की हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है पार्टिसिपेटेड इन द पी एम एनसी एच अकाउंटेबिलिटी ब्रेकफास्ट टू डिस्कस द इशूज ऑफ मेटर्नल एंड चाइल्ड हेल्थ अब इवेंट किसने को होस्ट किया था वाइट रिबन अलाइंस एंड एवरी वुमेन एवरी चाइल्ड ओके अब देखो वाइट रिबन अलाइंस ये क्या है नॉन पार्टीसन नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंटल मेंबरशिप ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली मैटर्नल एंड न्यू बोर्थ न्यू बॉर्न डेथ को रिड्यूस कर रहा है ग्लोबली ओके okay? दो इसके मकसद है मैटर्नल और न्यू बॉर्न डेथ को ग्लोबली रिड्यूस करना इसे बनाया गया था 1999 में सेम ईयर इट केम टू इंडिया एज डब्ल्यू आर ए इंडिया ओके इट इज़ हेड क्वार्टर्ड इन वाशिंगटन डी सी यू एस अब देखो यू पी एस सी क्या है जैसे यू पी एस सी ने एक बार एमनेस्टी इंटरनेशनल पर क्वेश्चन पूछा हुआ है डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स पर क्वेश्चन पूछा हुआ है तो इसी टाइप से वाइट रिबन अलाइंस है क्या तो क्या है ये नॉन पार्टीसन नॉन प्रॉफिट एन जी ओ है जो बेसिकली मैटर्नल एंड न्यू बॉर्न डेथ को ग्लोबली रिड्यूस कर रहा है Okay, every woman, every child movement. It was launched by the United Nations during the United Nations Millennium Development Goals Summit in September 2010.

जितने भी मेजर हेल्थ चैलेंजेस है जो वुमेन फेस कर रही है चिल्ड्रन फेस कर रहे हैं या अडोल्टन फेस कर रहे हैं है, उन सबको एड्रेस करना ओके न्यू स्पीशीज इन वेस्टर्न गार्ड प्लांट की दो न्यू स्पीशीज मिली है टू न्यू स्पीशीज ऑफ पाइप वॉट्स वॉज डिस्कवर्ड इन वेस्टर्न गार्ड्स ऑफ महाराष्ट्र में मिली है एक एक मिली है कर्नाटक में साइंटिस्ट फ्रॉम द अघाकर रिसर्च इंस्टीट्यूट इन पुणे हैव डिस्कवर्ड इट अब पाइप वॉच जो होता है बेसिक एक प्लांट ग्रुप है विच कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल विद इन ए स्मॉल पीरियड ड्यूरिंग मानसून केवल मानसून में ही वो उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है ओके okay? तो स्पीशीज फ्रॉम महाराष्ट्र हैज़ बिन नेम्ड इरियो है ना? पार्स फैलम ड्यू टू इट्स मिनट इन साइज बहुत छोटा सा है द अदर रिपोर्टेड फ्रॉम कोमता कर्नाटका इज कोल्ड ईरियो कॉलोन कारा वैलेंसी है ना वे लेंस वेलेंस ओके नेम्ड आफ्टर कारावली कोस्टल कर्नाटका रीजन ओके कहाँ पे मिली है कर्नाटक महाराष्ट्र में किसकी है प्लांट स्पेशस है ऑल राइट सो गाइज इफ यू लाइक दिस वीडियो जस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल हैव ए नाइस डे बाय